जय हिंद। खास करके अब मैं अपडेट उन लोगों को दे रहा हूँ जो लोग आपका ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन से हैं या तो रेडियो मैकेनिक, इन सब ट्रेड से हैं जिसमें आपका ITI या तो अलग ऐसा डिप्लोमा क्लास 12 PCM इन सब का ऑप्शन दिया हुआ, जिनके पास यह नहीं तो यह कर सकते हैं, तो इन लोगों के लिए यह खास करके वीडियो होने जा रहा है। आपका क्या है कि जोहरट में आप लोगों का अदर स्टेट का ORL का ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का सेंटर पड़ा हुआ है और यूपी बिहार का आपका सुखोमी में सेंटर पड़ा हुआ है। तो इन यहाँ पे सेंटर में क्या हो रहा है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपका ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन का जो सुखोमी में पड़ा हुआ है वहाँ पे सबसे पहले ही आपका हाइट मेजर हो जा रहा है। तो आपका हाइट वेट रहे तभी जाइए, अगर 169 है तो आई विल सजेस्ट यू कि मत जाइए अगर आपका सुखोवे में है, क्योंकि वहाँ पहले या बाहर कर देंगे, आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा। ठीक, तो आप चलते हैं आगे। आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या हो रहा है, दोनों सेंटर पे बात एक ही है। और क्या बात एक ही है कि आपका सबसे पहले तो बात कर वही ITI का जो सर्टिफिकेट बताया था कि वहाँ पे जाने के पहले इंटरव्यू के दौरान ही आपसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या है। अगर 12th से PCM है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो देख लेंगे, देख करके अंदर जाने देंगे। और भी आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड एडमिट कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है उन सबको तो चेक हो जा रहा है। और अगर आपके पास PCM से नहीं है तो आपका वो सर्टिफिकेट देखेंगे कि ITI से हो, किस ट्रेड से हो उसे चेक करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है इलेक्ट्रिकल से है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें जो ट्रेड मेंशन है उसी ट्रेड से आपको रहना जरूरी है, नहीं तो आपको बाहर भगा दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी 3-4 ट्रेड आते हैं तो उसके अंदर से हैं तो आप सही है, उसके अंदर से अगर आप सब ट्रेड से हैं तो ठीक है, उसके बाहर से आपको नहीं रहना चाहिए। जैसे कि इलेक्ट्रिकल वाले को बहुत लोगों को भगाया गया है, तो आप इसी तरह से रहिए, पूरा वीडियो को भी मत देखिए, इसी तरीके स्किप करके चले जाया करिए। और नेक्स्ट पे चलते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखिए आपका मैंडेटरी नहीं है, मैं कब से बताते आ रहा हूँ मैंडेटरी नहीं है, लेकिन तो आप अप्लाई कर दीजिए, बन जाए तो ठीक है, नहीं बनता है कोई बात नहीं, आप रैली को मत छोड़िए। थोड़ा बहुत परेशानी होगा लेकिन तो घबराइए नहीं, जाइए रैली को अटेंड करिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का आपको बता दूँ, इंट्री करने से पहले आपको यही बोला जाएगा कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहे इतने महीने इतने साल का रहना चाहिए। जब तक आप रनिंग नहीं कर लेते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो जा रहा तब तक आपसे यही चिल्लाते रहेंगे, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं कि मेरे पास नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ बाहर आउट हो रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी मत होइएगा, वो लोग आपको प्रेशर करेंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करोगे, रैली को अटेंड करना बस। अब और नेक्स्ट पे आ जाते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका क्या है, जो भी जिस स्टेट से हैं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन बनवाए हो, आपका डोमिसाइल पे स्टैंप होना जरूरी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे कोई ज़रूरत नहीं है, उस पर स्टैंप नहीं, वो ऑनलाइन ही आता है। जितने लोग डोमिसाइल को ऑनलाइन बनवाए हैं उस पर आप अपना स्टैंप लगवा लीजिएगा, चाहे आपका जनसेवा केंद्र वाला लगा के दे, उनको स्टैंप से सिर्फ मतलब है, चाहे जनसेवा केंद्र वाला लगा के दे, चाहे SDO चाहे DM कहीं से भी लग रहा है, जहाँ से भी आप उसको स्टैंप को लगा लीजिए, और लोग सिर्फ स्टैंप को देख रहे हैं। तो यही आपका डॉक्यूमेंटेशन का वीडियो था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको नेसेसरी है, खास करके ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन और जोहरट के लिए, और भी सबसे और सब जगह तो बहुत आराम से डॉक्यूमेंट चेक हो रहा है, कोई भी ऐसा पीर प्रेशर नहीं है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।